तो ये हैं आपके 2023 के टॉपर रैंक टू अनिमेष प्रधान ये इनका कुछ बायोडाटा है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये है इनके मेंस की जी एस वन की कॉपी इसको हमने काफ़ी अच्छे तरीके से डी किया है हम इसमें कुछ वो बातें डिस्कस करेंगे जिसके बदौलत तो इनकी रैंक टू आई है आखिर क्या इनका ऐसा रीज़न रहा है कि इनके मेंस में इतने अच्छे मार्क्स रहे आप यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर नोटिस करिएगा रैंक वन के आपके करीब 900 मार्क्स हैं आठ सौ निन्यानवे और रैंक टू के आठ सौ बयानवे ज़्यादा नहीं सिर्फ सात मार्क्स का डिफरेंस है इनके थोड़े से मार्क्स यहाँ पे इंटरव्यू कम रह गए अदरवाइज रैंक वन के ही बराबर लगभग मार्क्स हैं इनकी आंसर राइटिंग हमने जब इसको एनालिसिस किया है और जब आपको इस वीडियो में बताएंगे तो हमने दो तीन चीज़ काफ़ी यूनिक पाई हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है तो आप वीडियो को आराम से देखिएगा एक एक करके हर एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं वीडियो को आराम से देखना स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को

अब ये पच्चीस में से रैंक टू आई है ये जो कॉपी है इन्होंने विजन आई में अभ्यास मिन्स टेस्ट सीरीज में लिखी है इसमें जी एस वन के हम सारे आंसर्स को एक एक करके एनालिसिस करेंगे डी करेंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर वन से तो इनका क्वेश्चन नंबर वन ये है हिंदी मीडियम वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले आप यहाँ से पढ़ सकते हैं ये इनका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द आइडियल एंड इमोशंस ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स रोल इन द कम्युनिटी डिस्कस विद एग्जाम्पल्स डेढ़ सौ वार्ड में खत्म करना है और यह आपका और टेन मार्क्स का क्वेश्चन है आप एक चीज़ देखिएगा हमने जो क्वेश्चन है उसको दो कलर से हाईलाइट किया है एक आपका येलो से एक आपका ब्लू से अब यहाँ पर देखो तो ये आपका येलो है एंड ये आपका ब्लू है तो क्वेश्चन को ना हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है तो उस ब्रेक करने से हमें समझ में आएगी कि इस क्वेश्चन की नीड क्या है उसी में हमें पूरा का पूरा आंसर को लिखना है अगर हमें नीड पता नहीं होगी तो हमारा आंसर दूसरी डायमेंशन में जा सकता है और जो हमारे मार्क्स हैं काफ़ी कम आएंगे तो हम ये देखेंगे कि इन्होंने किन शब्दों का सिलेक्शन किया है किस तरीके से अपने आंसर को लिखा है टॉपर की कौन सी कॉपी से हम क्या सीख सकते हैं तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्ड है ना वो ये है कि जो आपके आइडियाज एंड इमोशंस हैं वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं उस चीज़ को बताया है है ना यहाँ पे मतलब उस चीज़ को यहाँ पे पूछा है और फिर इंडिविजुअल्स का रोल भी यहाँ पे पूछा है तो आप इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करोगे इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया उस चीज़ को समझते हैं जब हम किसी आंसर को स्टार्ट करते हैं तो उस वाले स्टार्टिंग वाले पार्ट को बोलते हैं इंट्रो तो उन्होंने इंट्रो को स्टार्ट किया ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया मिरर द सोशलो कल्चर पालंस तो यहाँ पर इन्होंने वर्ब्स को थोड़ा सा मिस कर दिया यहाँ पर वर्ब आएगी वर्ब इज आएगी तो आपका पूरा आईना है जो आपका ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स है इंडिया का जो पूरा आईना है सोशिया कल्चर का तो सोशया कल्चर आप जानते हो गए सोसाइटी प्लस कल्चर और ये आपका पालन का मतलब बोलचाल होता है ऑफ इंडियन सोसाइटी अलोंग विद स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत कर रहा है उसको दृढ़ कर रहा है द कल्चर हेरिटेज ऑफ ऑफ द कंट्री जो हमारी कल्चर हेरिटेज है उस चीज़ को ये और ज़्यादा मजबूत करते हुए जा रहा है आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने डायग्राम बनाया है ये इंडिया का मैप है बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा शानदार मैप बनाइए आप अगर जल्दी में इतना मैप बना रहे हो ठीक है क्योंकि टेन मार्क्स का क्वेश्चन है आपको दो पेज फिल करने हैं आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता है तो यहाँ पर उन्होंने पूरा लोकेट किया है कहाँ कहाँ पर हैं वो और ज़्यादा ना ये लिखा है कि यूपी राजस्थान ये सब कुछ कुछ नहीं लिखा है ठीक है और यहाँ पर लिखा है थिएटर फॉर्म्स इन इंडिया यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसी को हेडिंग के तौर पे बना के अब एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स रिफ्लेक्ट द आइडिया सोसाइटी तो कुछ सबसे पहले आप देखिए इनको इस क्वेश्चन को लिखने के दो दो पेज मिले हैं इस क्वेश्चन को लिखने के लिए एक आपका पेज ये है और एक आपका पेज ये है एक क्वेश्चन के तीन पार्ट रहते हैं इंट्रोडक्शन बॉडी और आपका कंक्लूजन तो आपका इंट्रोडक्शन तो आपका ये था ठीक है उसके बाद में यहाँ पे जो है ये है इनका आउटरो इनके जो आंसर की एक यूनिकनेस है ना आउटरो बहुत शानदार हैं इस वजह से इनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए होंगे अभी एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको और बाद बाकी का इन्होंने पूरे आंसर को ऐसे पॉइंट्स में ब्रेक डाउन किया है आप इस कॉपी को डाउनलोड करके आराम से हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा हम आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता दे रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए देखिए इन्होंने पहला जो हेडिंग लिखा है कि किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है प्रोपगेटेड सोशल वैल्यूज़ है ना दूसरा मेथोलॉजी के बारे में यहाँ पे बताया है फिर यहाँ पे एक्ट फॉर्म एंड यहाँ पे कल्चरल यूनिटी है और उसके बाद में जो आपका आंसर है यानी जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट है इंडिविजुअल्स रोल इन कम्युनिटी वो उस चीज़ को भूले नहीं और यहाँ पर उसको भी एक्सप्लेन किया है आप एक चीज नोटिस करिएगा जो उनकी हेडिंग्स है। हैं हेडिंग्स के बाद में दूसरी हेडिंग बहुत जल्दी जल्दी आ गई है यहाँ पे भी आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो जल्दी जल्दी आ गई है इसके पीछे का रीजन आप यहाँ पर समझ के चलिएगा कि एक हेडिंग को इन्होंने लिखा है उसके बाद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है और फिर डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख दिया है आप यहां पर एग्जाम्पल देखो ये आपका हेडिंग है यहां पे एग्जाम्पल है यहां पे आपका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है ये आपका हेडिंग है यहां पे एग्जाम्पल uh, है यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है ये आपका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, है फिर आपका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल जरूर दिया है एक्सप्लेन जरूर किया है तो आप अच्छी समझ के चलिएगा ये आपके जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं ना इन सारी चीज़ के क्वेश्चन को ऐसे लिखना होता है कि पहले आप हेडिंग लिखोगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे और डायरेक्ट एग्जाम्पल की तरफ आ जाओगे ये नहीं आप इसी को लिखते हुए जा रहे हो इसी को लिखते इतना आपके पास तो टाइम है ना आपके पास इतनी वर्ड लिमिट है ठीक है जो आपका सेकेंड पार्ट है आंसर का उसको इन्होंने पूरे को लख, रखते हुए यहाँ पर लिखा है फिर लास्ट में ये है कल्चरल uh, डाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बताया है और ये है आप इनका आउटरोन इनका आउटरो हमें काफ़ी शानदार लगा आप यहाँ पे देख के चलिएगा कि विद इंडिया विनिंग ऑस्कर इन 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फ्रॉम नाट टू नाट टू दीड्स ऑफ सच मार्वल ट्रेसिस बैक टू रिच हेरिटेज टू ट्रेडिशनल थिएटर इन इंडिया यानी आप एक चीज़ समझ के चलिए जो क्वेश्चन है किसका है, आर्ट एंड कल्चर का यानी इनको, इनको स्टेटिक जानकारी तो काफ़ी अच्छे तर, तरीके से है आर्ट एंड कल्चर की साथ में उसको उन्होंने करंट अफेयर के साथ में और लिंक कर दिया आपने मूवी देखी होगी ट्रपल आर उस ट्रपल आर मूवी में जो आपका सॉन्ग था नाटू नाटू उस चीज़ को उन्होंने करंट अफेयर का यहाँ पर बोल दिया कि अभी हमारा जो एक बीज पड़ चुका है ऑस्कर विनिंग में भी ये हमारा जो हेरिटेज है उसको और इनरिच कर रहा है इंडिया को मतलब इंडिया का हेरिटेज है उसको बैक टू रिच हेरिटेज की तरफ लेके जा रहा है तो आपने इस आंसर को ठीक से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि एक आंसर को लिखने में काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है आप इस चीज़ को सेल्फ स्टडी के साथ में कर सकते हो तो बहुत बढ़िया लेकिन आप किसी अच्छी कोचिंग के साथ में जुड़ना चाहते हो जो अफोर्डेबल भी हो तो हम आपको पीडब्ल्यू ली इसको रिकमेंड करेंगे इनका फाउंडेशन बैच है जो टू थाउजेंड फाइव ट्वेंटी सिक्स वाले एस्पिरेंट्स के लिए जिसका नाम है संकल्प प्रहार और टाइटन टाइटन आपका प्योर इंग्लिश में है बाकी आपके हिंदी और इंग्लिश में है फी आप देख सकते हो बारह हज़ार साढ़े नौ हज़ार आपका जी एस का इसमें आपका एस ए बी आंसर राइटिंग में हर एक चीज आपको इसमें कराई जाएगी ये आपके ऑप्शनल के बैचेस हैं आपको जो लेना हो ले सकते हो और ये है इनका कॉम्बो बैच जिसमें आपको जी प्लस ऑप्शनल दोनों कवर करा जाएगा आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये होगा क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको बैचेस मिल रहे हैं लेकिन आप हमारे चैनल का कोड के इस्तेमाल करोगे तो आपको पी डब्ल्यू एन इसके सारे बैचेस पर मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा तो आप इसका इस्तेमाल करके काफ़ी डिस्काउंट पा सकते हो इसके साथ ही टू थाउजेंडी फोर वाले एक्सपीरियंस के लिए पी डब्लू डी एस ने कंडक्ट किया है पिल्लिम्स के लिए मॉक टेस्ट जी एस प्लस सी सेट के लिए ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में है ऑफलाइन के ये सारे सेंटर्स हैं आप इसको फ्री रजिस्टर कर सकते हो रजिस्ट्रेशन फ्री है डेट आपके पाँच मई और दो जून है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर का है इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताएंगे ये आपका सांची स्तूप आया उसके बारे में थोड़ा सा बताया है तो हमने क्वेश्चन को दो पार्टन तोड़ रखा है एक पार्ट आपका ये है और एक आपका पार्ट ये है आप क्वेश्चन के नीड को समझिए कि क्वेश्चन मेन मांग क्या रहा है और यहाँ पे सांची स्तूपा के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये आपका डब्ल्यू एच एस है ठीक है और आप देखिए यहाँ पे उन्होंने कहाँ पर है उस चीज़ को एम पी में है आपका उस चीज़ को लोकेट कर दिया है हेडिंग लिखी है हेडिंग्स के बाद पॉइंट है जैसे हमने अभी आपको बताए फिर दूसरा आर्कोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंस है उसका जो उसने पूछा है इंस्पायर द फ्यूचर द आर्किटेक्चर आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस फिर उसके बाद में यहाँ पे आपके हेडिंग्स हैं और यहाँ पे डायग्राम्स इनको पता था इनके पास टाइम था तो उन्होंने यहाँ पर पूरा का पूरा प्रॉपर बनाया है आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्फ्लुएंसेस क्या है वो बता दिया है और यहाँ पे ज़्यादा आउटरो को बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से नहीं लिख पाए क्योंकि टाइम कम है क्वेश्चन नंबर थ्री आपका मॉडर्न हिस्ट्री का है ठीक है तो मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पे थोड़ा सा भगत सिंह के बारे में पूछा गया है और उस चीज को यहाँ पे बताया तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री का है भगत सिंह मेड रियल ब्रेक थ्रू इन द टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी द गोल्स तो हमने इसको यहाँ पे तोड़ दिया है ये आपका फर्स्ट पार्ट है द गोल्स ऑफ रेवोल्यूशन फॉर्म्स ऑफ रेवल्यूशन रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल तो इस चीज को हमें एक्सप्लेन करते हुए बताना यहां पे एक ही क्वेश्चन मतलब एक ही पार्ट है और एक ही पार्ट को हमें पूरा एक्सप्लेन कर देना दो पार्ट बना तो आप यहां पे स्टार्टिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन्होंने स्टार्टिंग को काफी अच्छे तरीके से लिखा है आप यहां पे देखोगे आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट पोस्ट चोरी चोरा इंसिडेंट रेवोल्यूशनरी रेवल्यूशनरी वॉइसिस एंड द वन ऑफ द सच लाउडेस्ट वॉइस ऑफ वाज द भगत सिंह तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख के चलिएगा जो आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था ना एन जिसको हम बोलते हैं और आपका चोरी चोरा कांड आपको पता ही होगा उसके बाद में जो भगत सिंह की जो वॉइस थी ना वो सिंगल आवाज़ थी है ना मतलब सिंगल आवाज़ मतलब इतनी सारी आवाज़ों में से सिंगल आवाज़ थी जो काफ़ी लाउडेस्ट आवाज थी यानी उनकी जो बातें थी लोगों तक पहुँच रही थी आप इस इंट्रो के पीछे के अब द स्टोरी समझ के चलिए कि इन्होंने क्यों इस इंट्रो को लिखा है क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है भगत सिंह की हम इंट्रो को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो भी स्टार्टिंग हम कर रहे हैं उसके एक स्टेप बैक जाके हम एक स्टेप पीछे जाके ये सोच सकते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है तो एक इंट्रो लिखने के पीछे यानी एक इंट्रो लिखने का एक ये तरीका हो सकता है कि जो भी डिमांड है यानी जो भी नीड है उसके पीछे का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दो बैकग्राउंड बताओगे ना तो आपका जो स्टार्टिंग होगी आंसर के इंट्रो जो होता है वो बहुत शानदार हो जाता है ये भी एक तरीका होता है तो यहाँ पे भगत सिंह का रोल के बारे में बताया है उनके जो हेडिंग्स हैं बताई हैं रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज यहाँ पे एग्जाम्पल फिर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन फिर यहाँ पे एग्ज़ाम्पल नहीं यहाँ पे तो एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे आपका थर्ड है वर्ल्ड वर्ल्ड फेयर बेस्ड अप्रोचेज जो हैं ये आपका रेवोल्यूशनरी एक्ट्स जो हैं वो हैं फिर आपका एसोसिएशन जो हैं वो हैं तो ये आपका सारा का सारा यहाँ पे आपका सिक्स हेडिंग में उन्होंने दो पेज में पूरा का पूरा कंटेंट लिखा है लेकिन आप इनका आउटडोर की तरफ ध्यान देना आउटडोर बहुत बढ़िया है भगत सिंह नोटेड यहाँ पर नोट्स लिखा है भगत सिंह लिखते हैं भगत सिंह ने लिखा है ग्रेट एम्पायर डाय जो महान एम्पायर होते हैं वो खत्म हो सकते हैं ध्वस्त हो सकते हैं लेकिन आइडियाज लिव फॉर यानी वही है ना आपको पता ही होगा आपने भगत सिंह मूवी को देखा होगा या पढ़ा होगा उनकी बुक को तो वो कह सकते हैं कि आ, मैं मर सकता हूँ मेरे विचार नहीं मर सकते उसी तरीके से साम्राज्य के साम्राज्य ख़त्म हो सकते हैं पर मेरी आवाज़ मेरे विचार वो कभी ख़त्म नहीं होंगे तो आप देखिए इन्होंने आ, आ, जो आपका आंसर है उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ तो ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का है तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपने बहुत आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने पढ़ी नहीं होगी तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे लेकिन आपको बेसिक सी चीज़ बता दे रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इन्होंने स्टार्टिंग तो अच्छी करी है लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर्स बताए ना उनको एक फ्लो चार्ट के तौर पर बताएं तो आप इस तरीके से भी अपने आंसर को लिख सकते हो जो सिग्निफिकेंस पूछा है उसको भी उन्होंने कुछ इस तरीके से सिग्निफिकेंस ऑफ जापान वो भी इस तरीके से तो आप ऐसे फ्लो चार्ट के तौर पर भी लिख सकते हो ये आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स है तो अभी तक तो जो हमने एक्सप्लेन जो आपके सारे के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं वो आपके टेन टेन मार्क्स के हैं ठीक है ये पूरा हाईलाइटेड जो पीडीएफ है ना आप हमारे टेलीम चैनल से डाउनलोड कर लेना जिसका नाम के जी मिशन यूपीएससी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में अब हम चलते हैं एक फिफ्टी मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ तो ये है ये भी आपका सेवन टेन मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका का है तो इसको थोड़ा शॉर्ट में देख ले रहे हैं ये आपका यहाँ पे बे ऑफ बंगाल इज मोर प्रो टू साइक्लोन्स प्रोव का मतलब होता है वर्नोरेबल यानी नाजुक उसके बारे में बताया देन अरेबियन सी और उसका डिक्लाइन तो uh, ये डिक्रीज इन फ्रीकुंसी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट मानसून सीजन यहाँ पर इन्होंने कुछ डेटा के साथ में स्टार्ट किया है तो वो क्यों है उसके बारे में ओरिजन बताया है उसके रिवर के बारे में बताया है टेम्परेचर के बारे में बताया आपका टोपोग्राफी के बारे में बताया है डिक्रीज़ इन फ्रिक्वेंसी क्यों है उसके बारे में यहाँ पर बताया यानी आंसर रखा जाए सेकेंड पार्ट है उसके बारे में आपका यहाँ पर बताया और ये आपका जो आउटपुर है वो बहुत शानदार लिखा है विथ क्लाइमेट चेंज एग्री ग्रेटिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ साइक्लोन इंडिया मस्ट टेक स्टेप इन द अप्रोच और आपका क्वेश्चन नंबर एट ये है इसमें भी आपका कुछ इस तरीके से फ्लो चार्ट इन्होंने बनाया है ठीक है ये नाइन्थ है यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कोर्ट के साथ में उन्होंने लिखा है इंट्रो को और ये आपका क्वेश्चन नंबर टेन है ठीक है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ तो इलेवन फिर आपका यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर की तरफ आ गया है तो आर्ट एंड कल्चर को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है आप ये समझ के चलिए जो आपका फिफ्टी मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें आपको तीन पेज देने होते हैं ठीक है तो आपका पेज नंबर वन ये है पेज नंबर टू ये है एंड पेज नंबर थ्री ये है हम क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ चलते हैं इसको हमने हाईलाइट किया और आप इसको आराम से पकड़ भी पाओगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का ये है, हाँ मॉडर्न हिस्ट्री का है एवोल्यूशन ऑफ द प्रेस इन इंडिया ये आपका पहला है कि उसको ट्रेस करना है दूसरा अल्सो डिस्कस द इंस्ट्रूमेंटल इम्पैक्ट ऑन इट ड्यूरिंग वेरियस स्टेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उसके बारे में आपको बताना है तो यहाँ पे इन्होंने इंट्रो कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया है आप एक चीज़ समझ के चलिएगा जो आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना उसमें आपको ढाई वर्ड लिखने होते हैं ढाई वर्ड के लिए आपके पास तीन पेजेस दिए जाते हैं और आपको सिर्फ दस मिनट का ही समय मिल पाता है इसको लिखने के लिए यानी एक पेज सिर्फ तीन मिनट में आपको लिखना है तभी आप इसको कर पाओगे तो आपको एक पेज आपका ये मिल गया दूसरा ये मिल गया और तीसरा आपको ये मिल गया अभी तक जो आप देख रहे थे तो सिर्फ दो पेज थे अभी तक यहाँ पे आपको तीन मिल गए ये इनका आउटरो है ठीक है ये इंट्रो है और ये पूरी बॉडी है तो यहाँ पे एवोल्यूशन इन प्रेसिस के बारे में बताया है कि सेवनटी सिक्सटी के बारे में बताया है और ये आपका नेक्स्ट हेडिंग्स हैं आप इनको पढ़ सकते हो आराम से पनिशमेंट न्यूज़पेपर प्रेस कमेटी उसके बारे में बताया जो आपका सेकंड पार्ट आंसर का इंस्ट्रूमेंटल रोल ऑफ इंडिया इंडियन प्रेस उसके बारे में यहाँ पे बताया है इससे हेडिंग को जो नेक्स्ट पेज पे लिखते तो और ज़्यादा बेहतर होता है इस वाले पेज पे लेकिन कोई दिक्कत नहीं ये है ये नेक्स्ट हेडिंग्स के पॉइंट्स हैं ठीक है और यहाँ पे लिखा है एस गांधी जी सेट इंडिपेंडेंस प्रेस इज़ द ब्रीथ ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी यानी गांधी जी के कोर्ट के साथ में इस चीज़ को उन्होंने खत्म किया है तो काफ़ी सही तरीके से उन्होंने फिफ्टीन मार्क्स के क्वेश्चन को भी लिखा है यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ पर देखोगे भूआकृतियाँ वगैरह पूछ रहा है लैंड फॉर्म्स है ये आपका जोग्राफी का क्वेश्चन है फिफ्टीन मार्क्स का ठीक है तो यहाँ पे उन्होंने डायराम्स के साथ में स्टार्टिंग करी है वो डायराम्स के बारे में बताया कौन सा फिगर है फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट हैं उनके बारे में बताया फिर आपके ये सारी की सारी हेडिंग्स हैं ठीक है फिर मेज़र लैंड फॉर्म फाउंड डेजर्ट उसके बारे में यहाँ पर आपको एक कंपरेट कम कम्परिजन वाली वे में यहाँ पर एक्सप्लन किया है ठीक है तो आप इसको आराम से देख सकते हो इनके जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी शानदार हैं और ये जो आपको जो पी पी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो हमने पूरी एक प्ले बना रखी है आप यूट्यूब पर जाएंगे तो youtube पर जाके आपको ये पूरी प्लेलिस्ट दिखाई देगी वहाँ पे जो अदर टॉपर्स हैं उनकी कॉपी को हमने एनालिसिस कर रखा है तो आप इसको भी देख सकते हो ठीक है और कैसे बॉडी को लिखना होता है आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है है ना आंसर राइटिंग के की फ़ीचर्स क्या होते हैं वो हमने अदर जो वीडियोस हैं मीन्स के आंसर राइटिंग करते हुए तो जो आपके क्वेश्चंस होते हैं कितना टाइम में कितने वर्ड लिमिट होती है वो भी हमने बाकी सारे जो पार्ट्स हैं उसमें हमने बता रखा है कॉम्पोनेंट कितने होते हैं इंट्रो बॉडी कंक्लूजन इंट्रो लगने के कितने टाइप होते हैं वो हमने बाकी के जो कॉपी एनालिसिस करी है टॉपर्स के जो भी आप आपको दिखाए थे इसमें हमने सब में बता रखा है उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो को लाइक कर सकते हो और और सारी आपको वीडियोज़ वगैरह चाहिए तो मैंने आपको बता दिया कि आप प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लेना लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लेफ्ट हाल वीडियो क्लिक करके भी आपको ये पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद